welcome back to Humanities. I am Purva. In aaj ki video mein, we'll be covering our class 12th political science book 2, chapter number 6, which is the crisis of democratic order. Yani ki jo hamari smooth functioning thi government ki, wo kaise ekdam ruk gayi aur kaise crisis hua. कैसे इमरजेंसी इम्पोज करी गई. सो बेसिकली हम 1975 वाली इमरजेंसी के बारे में सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर में. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड मोस्टली सारे बच्चों का ये चैप्टर बहुत फेवरेट रहता है बिकॉज वी एक्चुअली गेट टू नो द रियल हैपनिंग्स कि क्या हुआ था. काफ़ी डिटेल में हमें पता चलता है कैसे इमरजेंसी इम्पोज हुई, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी. सबसे पहले इमरजेंसी से पहले क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या चल रहा था वो जानेंगे. क्योंकि वही है ना यार, किसी के पास्ट के बिना जाने आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है फ्यूचर में, राइट. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे इमरजेंसी के बारे में, राइट. कि इमरजेंसी इम्पोज होने से पहले क्या चल रहा था इंडिया में, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे. चलिए, तो क्या क्या चेंजेस थे जो आए आफ्टर द ईयर 1967. जो पॉलिटिकल अर्थक्वेक था 1967 का ईयर, फिर 1971 के इलेक्शंस हुए, तो उसके बारे में हम रीकैप ले रहे हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा. इंदिरा गांधी हैड इमर्ज्ड एज अ टावरिंग लीडर विद ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी. 1971 के इलेक्शंस में हमने देख लिया था कैसे काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी मिली कांग्रेस पार्टी को, और इवन आफ्टर द बांग्लादेश वॉर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई इंदिरा गांधी. पार्टी कॉम्पिटिशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज. पहले जो कांग्रेस सिस्टम था कि अंदर ही फैक्शनलिज्म चल रहा है, अब वो नहीं रहा. काफ़ी ज़्यादा बिटर और पोलराइज, यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज भी काफ़ी ज़्यादा, अब वो जो कॉपरेशन था वो नहीं रहा. टेंशन्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी. अभी हम ये इसके बारे में जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू और कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू. सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हमने प्रीवी पर्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात करी, तो उसमें जो ऑर्डिनेंस था गवर्नमेंट का वो रिजेक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. और कांग्रेस क्या कह रही थी तब, दिस स्टैंड ऑफ द कोर्ट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी. वो कोर्ट के डिसीजन को गलत कह रही थी. द कोर्ट वॉज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन जो कि चेंज को, काफ़ी ज़्यादा रेडिकल मेजर्स को अवॉइड कर रहा है, एंड वो हमारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, एक प्रॉब्लम बन रहा है. किसके प्रोग्राम, जो इंदिरा गांधी जी के प्रोग्राम्स थे जो उनकी गवर्नमेंट ने सोचा था. फॉर एग्जाम्पल द अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स, जो कि बाद में जब एक्चुअल में उनकी मेजोरिटी आई तो अप्रूव हो गया था. द पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस फेल्ट दैट पॉलिटिक्स वॉज बिकमिंग टू पर्सनलाइज. गवर्नमेंटल अथॉरिटी वॉज बींग कन्वर्टेड इन टू पर्सनल अथॉरिटी. अब क्या हो रहा है, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी का यूज़ किया जा रहा है, अपनी पर्सनल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, पावर को इंक्रीज करने के लिए, एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए. तो पॉलिटिक्स में ना बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड वेलफेयर देखा जा रहा है, ऐसा मानना था सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ का विद रिगार्ड टू द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. इसी के चलते क्या हुआ था, 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद द स्प्लिट इन द कांग्रेस, राइट. कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर दोनों अलग हो गए थे. शार्पन द डिविजन्स बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द ओपोनेंट्स. क्लियर है ये सभी को कॉन्टेक्स्ट, बढ़िया. आगे चलते हैं, अब जानते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिकली क्या बैकग्राउंड चल रहा था. इलेक्शंस ऑफ 1971, कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ. हम सभी ने देखा था टू रिमूव पावर्टी, जिसके बदले में इंदिरा हटाओ आया था ऑपोजिशन की तरफ से. बट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव. नारा एक नारा बन के ही रह गया, असल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. अच्छा जी, अब उल्टे में क्या क्राइसिस हुई हमारी इकोनॉमी पे, क्या बर्डन पड़ा. बांग्लादेश क्राइसिस जब हुई, बांग्लादेश वॉर हुई 1971 में आफ्टर इलेक्शंस, उससे हैवी स्ट्रेन पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, क्योंकि हमने सारा जो है वो मिलिट्री पे ध्यान दिया, बांग्लादेश की हेल्प करी, राइट.
साथ ही साथ अबाउट 8 मिलियन पीपल क्रॉस्ड ओवर ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया. काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज आए जो बांग्लादेश से इंडिया में आके सेटल होने लगे. क्यों? बचने के लिए, राइट, जो वहाँ पे ऑनगोइंग वॉर थी उसकी वजह से. दिस वॉज फॉलोड बाई वॉर विद पाकिस्तान. ठीक है, पहले तो बांग्लादेश क्राइसिस फर्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश वॉर सेकंड पॉइंट. आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया, ऑल हेल्प इट वाज सेंडिंग टू इंडिया उसने रोक दी. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी अलायंस थी यूएस के साथ. इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज. अब ऑयल की महंगाई बढ़ी तो क्या होगा? दिस लेट टू एन ऑल राउंड इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज. बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया और साथ ही साथ जो हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज है वो इसी में चला जाएगा. अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कॉज्ड मच हार्डशिप टू द पीपल, एस्पेशली द पुअर पीपल, राइट, एंड द डिसएडवांटेज ग्रुप्स. फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लो. इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो कम था, राइट. तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारी इकोनॉमिक फैक्टर जो हम बात करेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी हाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, विलेज एरियाज में. इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, खर्चा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को होल्ड पे डाल दिया क्योंकि वो पैसा कहीं और जगह यूटिलाइज कर सके. दिस कॉस्ट फर्दर डिससेटिस्फैक्शन अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो खुश नहीं रहेंगे इस बात से, राइट. फिर क्या हुआ? मॉनसून, जो बारिश आती है एनुअली, वो फेल हो गई, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो इम्पैक्ट हुई, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हम खाना खा रहे हैं, फूड ग्रेन आउटपुट है, वो डिक्लाइन होगा, राइट. सो मॉनसून फेल्ड इन 1972-73, रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%. क्लियर है? चलिए, सारे पॉइंटर्स हैं आपके इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के. ठीक है, एक एक पॉइंट याद कर लो, उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो अगर पूछा गया. देयर वॉज अ जनरल एटमोसफेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद इन द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री. एटमोसफेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन यानी कि पॉपुलर सपोर्ट अब धीरे धीरे लूज होने लगा. लोग नाखुश थे गवर्नमेंट से कि हो क्या रहा है. Instances, examples of students' unrests became more pronounced in this period. अभी हम पढ़ेंगे दो major student protests, unrest, जहाँ पे students ने आवाज उठाई against the government and बोला कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है and protest किया. There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. अब Marxist groups ने क्या क्या किया? उन्होंने दे हैड टेकन टू आर्म्स एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स फॉर द ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर एंड टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम, राइट. सो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्स वॉयलेंट प्रोटेस्ट्स करने लगे. नोन एज द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाउ माओइस्ट ग्रुप्स और नक्सलाइट्स, राइट. तो सिनोनिम बता दिया है. मेन क्या रहता है कि आर्म्ड रिवोल्ट, आर्म्ड इंसर्जेंसीज, एकदम रेडिकल क्विक चेंज, ओवरनाइट चेंज, वो भी वॉयलेंट तरीकों से, वो उनका आइडियोलॉजी रहता है, बिलीव रहता है. आगे चलते हैं. दे वर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. सो फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हमें ये जो हैपनिंग्स है कि क्या क्या हुआ वो देखने को मिलता है, इज द गुजरात एंड बिहार स्टूडेंट मूवमेंट्स. स्टूडेंट्स की मूवमेंट्स थी ये इन दोनों जगह पे, गुजरात एंड बिहार. तो चलिए, इस पे आपके बोर्ड्स में आंसर आ सकता है, तो ध्यान दीजिए. चलो, सो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार. तो इन मूवमेंट से क्या होगा, इन प्रोटेस्ट से क्या होगा? फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ेगा इन दोनों ही स्टेट्स की पॉलिटिक्स पे और पूरे नेशन की पॉलिटिक्स पे, राइट. क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ही, उसके उससे अनसैटिस्फाइड होके ही ये प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, राइट. कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थी दोनों ही, गुजरात एंड बिहार, राइट. चलिए, तो अब सबसे पहले चलते हैं गुजरात प्रोटेस्ट्स पे. जनवरी 1974, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, लिख लो. जनवरी 1974 में
स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्टेड एन एजिटेशन. एजिटेशन यानी कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट होम, किसके खिलाफ, किस वजह के खिलाफ, क्या रीजन है? करप्शन इन हाई प्लेसेस, की बहुत ज्यादा ही करप्शन हो रहा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई हो गई है एसेंशियल बेसिक कमोडिटीज पे भी. राइजिंग प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल एंड अदर सच एसेंशियल कमोडिटीज जो कि डे टू डे यूज में सभी को चाहिए, राइट? तो इन दोनों चीजों के खिलाफ स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई एंड ये जो स्टूडेंट मूवमेंट थी दीज वर ज्वाइंड बाय मेजर ऑपोजिशन पार्टीज. अब ऑब्वियसली जो करंट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ होगा तो ऑपोजिशन पार्टीज उसको और शेयर देगी, राइट? तो अब क्या होता है, इस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हो जाता है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड ऑपोजिशन पार्टीज स्टूडेंट्स के साथ मिलकर क्या डिमांड करती है कि फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं ताकि हम एक नई सरकार चुने, नई पार्टी चुने, राइट? किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. क्लियर है? आगे चलते हैं. अब यहाँ पे लीडर जो है वो है मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई अनाउंस्ड दैट ही वुड गो ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट, यानी कि अगर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो फास्ट पे रहेंगे इफ फ्रेश इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड इन द स्टेट, राइट? एंड जून 1975 में फाइनली नए इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं इन द असेंबली ऑफ गुजरात, राइट? अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, राइट? तो मोरारजी देसाई जी की मांग पूरी होती है एंड फाइनली द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन. तो नई गवर्नमेंट रिप्लेस कर देती है कांग्रेस को गुजरात में, राइट? अबाउट मोरारजी देसाई, ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, ओ स्टॉलवर्ट्स में से थे वो, द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, राइट? चलिए अब चलते हैं हम बिहार मूवमेंट पे. मार्च 1974 में होती है बिहार मूवमेंट. स्टूडेंट्स कम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, क्या क्या रीजंस हैं? राइजिंग प्राइजेस, इन्फ्लेशन, महंगाई, फूड स्कार्सिटी, फूड की कमी, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड करप्शन. क्लियर है? भ्रष्टाचार. सो ये सारे रीजंस थे अगेन इन बिहार. तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट दीज रीजंस, राइट? अब यहाँ पे कौन लीडर आते हैं? जेपी नारायण, जय प्रकाश नारायण. ही हैड गिवन अप एक्टिव पॉलिटिक्स, यानी कि वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, सोशल वर्क करते थे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? अब वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं टू लीड द स्टूडेंट मूवमेंट ओनली ऑन टू कंडीशंस. वो कहते हैं हाँ मैं लीडर बनूंगा इस मूवमेंट की, लेकिन दो शर्तें हैं मेरी. सबसे पहली शर्त कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये नॉन वॉयलेंट रहेगी, यानी कि हम इसमें कुछ भी वॉयलेंटली मारपीट, आर्म्ड इंसर्जेंसी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पीसफुली कंडक्ट करेंगे. एंड दूसरी चीज, ये हम ऑल ओवर इंडिया फैलाएंगे मूवमेंट को, सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार. क्लियर है? तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट. द स्टूडेंट्स मूवमेंट अज्यूम्ड अ पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड हैड नेशनल अपील. नेशनल अपील यानी कि पूरे ही इंडिया से अब जो हम मांग रहे थे और जो हम बोल रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो पूरे ही नेशन के लिए था. जेपी नारायण डिमांडेड क्या? सबसे पहली चीज कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है बिहार में उसको डिसमिस कर दिया जाए एंड दूसरी चीज कि एक टोटल रेवोल्यूशन लाया जाए. कॉल फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं पे भी आप ये शब्द देखेंगे टोटल रेवोल्यूशन तो जेपी नारायण आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी थी. सो ही गेव अ कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन. टोटल यानी कि हर एक स्फेयर में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स, राइट? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू डेमोक्रेसी, जहां पे असल में लोगों के पास पावर हो नेशन को चलाने की, राइट? पीपल्स गवर्नमेंट असल में एक ट्रू डेमोक्रेसी हम बना पाए टोटल रेवोल्यूशन के थ्रू. क्लियर है? परफेक्ट. बांस, घेराव, स्ट्राइक्स, ये सब ऑर्गेनाइज करवाया जाता था एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज्ड टू रिजाइन, ठीक है, डिड नॉट रिजाइन. मूवमेंट वॉज बिगनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स. अब नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बात हो रही है.
alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railways. So railways employees ने एक nationwide strike रखी, right? कि पूरे देश में हम इस दिन काम नहीं कर रहे. They threatened to paralyze the country. ये रही हमारी रेलवे स्ट्राइक. लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974. द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल लेड बाय हुम, हु वाज द लीडर ऑफ दिस रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस, गेव अ कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक, पैन इंडिया स्ट्राइक बाय ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द रेलवेज फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड्स, ताकि उनकी मांगे पूरी हो, रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशंस, की बेटर सर्विस कंडीशंस मिले उनको, राइट, बेटर और ज़्यादा पे मिले, बोनसेस मिले, राइट. तो इस वजह से उन्होंने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए ये स्ट्राइक रखी. द गवर्नमेंट वॉज अपोज टू ऑल दीज डिमांड्स, इसीलिए प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को कि हमारी बात मानो, उन्होंने ये स्ट्राइक रखी. क्लियर है? चलिए फिर क्या होता है. मे 1974 में सारे ही इम्प्लॉयज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि रेलवेज, वेंट ऑन अ स्ट्राइक, राइट. चलिए इससे क्या होता है, और ज्यादा जो एटमॉस्फेयर था वो टेंशन का हो जाता है. इट ऑल्सो रेज्ड इश्यूज लाइक द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड वेदर एम्प्लॉयज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज शुड अडॉप्ट मेजर्स लाइक स्ट्राइक्स, राइट. तो इसमें अलग और मुद्दे आ गए कि क्या राइट्स हैं इन वर्कर्स की, राइट, क्या ये स्ट्राइक पे जा सकते हैं या नहीं, क्या इनके पास ये राइट है या नहीं, राइट. द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक एज इलीगल, क्योंकि स्ट्राइक पे जाने से पहले भी आपको नोटिस देना पड़ता है, पूरा आपका लीगल फॉर्मेट होता है, राइट. रिफ्यूज्ड टू कंसीड द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे, राइट. मैनी ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड. आगे द गवर्नमेंट डिप्लॉयड द टेरिटोरियल आर्मी टू प्रोटेक्ट रेलवे ट्रैक्स, अपने ही सिटीजन से उसको बचाया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट ना हो. फाइनली द स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 डेज विदाउट एनी सेटलमेंट, ना ही वर्कर्स की मांगे पूरी हुई 20 दिन बाद. आफ्टर ऑल ये स्ट्राइक उन्हें खत्म करनी पड़ी और वापस काम पे जाना पड़ा. फिर क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इन 1975 जयप्रकाश नारायण लेड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट, पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज लाइक कांग्रेस ओ, सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सारी ही जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने जेपी नारायण को सपोर्ट किया एंड दे लेड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट. क्लियर है? दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल, एवर हेल्ड इन दिल्ली. आगे चलते हैं. These parties were projecting JP as an alternative to Indira Gandhi, कि जयप्रकाश नारायण can replace Indira Gandhi as the Prime Minister. However, there were many criticisms about his ideas and about the politics of mass agitations that he was employing. अब obviously जहाँ इतने supporters हैं तो चंद criticizers भी होंगे, right? Critics भी होंगे, right? जो आपको नहीं पसंद करते या आपके तरीके नहीं पसंद करते, राइट. तो उनके आइडियाज़ के लिए और ये मास एजिटेशंस जहाँ पे इतने लोगों को इन्वॉल्व करके प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे आइडियाज़ कुछ क्रिटिक्स को पसंद नहीं थे जेपी नारायण के. बोथ द गुजरात एंड बिहार एजिटेशंस वर सीन एज एंटी कांग्रेस, अपोज टू कांग्रेस गवर्नमेंट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, बिकॉज कांग्रेस मेंट इंदिरा गांधी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, right? And on the other hand, Indira Gandhi believed that this movement was motivated by personal opposition to her, कि सबको उन्हीं से problem है, ये जो सारे leaders और opposition parties हैं वो Indira Gandhi को हटाना चाहते हैं, ना कि Congress को. Clear है? चलिए अब चलते हैं हमारे next topic पे, which is conflict with judiciary, right? अब हम सबको ही पता है कि there are 3 institutions of a government, right? जिसमें आपका सबसे पहले लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, उसके बाद आपका जुडिशियरी एंड आपका एग्जीक्यूटिव फॉर इम्प्लीमेंटेशन, राइट.
अब हम लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए, सो दिस पीरियड द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशियरी। जो गवर्नमेंट थी, जो रूलिंग पार्टी थी, राइट, उनका काफ़ी ज़्यादा जुडिशियरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिफरेंसेस आए। थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज हैड इमर्ज। तीन कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज थी, प्रॉब्लम्स थी, राइट। सबसे पहला, कैन द पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर अब्रिज फंडामेंटल राइट्स। अब्रिज यानी कि रिस्ट्रिक्ट और कर्टेल, कि फंडामेंटल राइट्स जो दी गई हैं सिटीजन्स को, वो लेजिस्लेचर जब चाहे उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, हाँ या ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कैन नॉट, राइट, नो इट कैन नॉट, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स हमेशा ही सिटीजन्स के पास अवेलेबल होनी चाहिए विदाउट एनी कर्टेलमेंट, वो बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, और अगर वॉयलेशन हो रहा है तो जुडिशियरी के पास आएगा एक सिटीजन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन था, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। क्या पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकता है? द कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट राइट्स आर कर्टेल्ड। कि जो राइट्स हैं, जो सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स गिवन है, उनको ना ही आप अमेंडमेंट के थ्रू, ना ही इनडायरेक्टली कर्टेल कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। थर्ड इशू था, द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रिज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हाथ ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ लिया, राइट। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कब अमेंड कर सकते हैं? जब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से उनको इन फंडामेंटल राइट्स को हटाना पड़े, राइट। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी दी गई है हमें, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी मना कर दिया, चाहे आप कोई भी वेलफेयर रीजन दो या कुछ भी दो, फंडामेंटल राइट्स आप अब्रिज नहीं कर सकते, राइट। This led to a crisis as far as the relations between the government and the judiciary were concerned, right? So this was the issue. अब ये crisis आके थम जाती है in the famous केशवानंदा भारती case. ईयर याद रखना बहुत, ये तो लैंडमार्क केस है, अगर आप आगे गवर्नमेंट एग्जाम भी देंगे, लॉ करेंगे, हमेशा पूछा जाएगा। केशवानंदा भारती केस इन 1973, द कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट देर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो बिल्कुल भी अमेंड नहीं हो सकते, जो बिल्कुल भी अमेंड नहीं हो सकते, अमेंड यानी कि चेंज, राइट, या हटाए नहीं जा सकते, क्लियर है? सो द बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड, राइट, बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया, राइट, तीन साल लग गए ऑलमोस्ट जिसको बनाने में, उसको आप एक झटके में आके अमेंड नहीं कर सकते, राइट। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन केशवानंदा भारती केस में दी गई। टू डेवलपमेंट्स फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव। अब और दो चीज़ें हुई जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट, जो ऑफिसर्स है जो इम्प्लीमेंट, लागू करते हैं लेजिस्लेचर की पॉलिसीज को, राइट। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या इश्यूज आए? सबसे पहला, अ वैकेंसी अरोज फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, CJI। चलो, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वैकेंसी आई। अब इसमें क्या प्रैक्टिस होती है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस बनता है, राइट, क्लियर है? बट 1973 में ऐसा नहीं हुआ, सीनियोरिटी का जो क्राइटेरिया था वो फॉलो नहीं हुआ, और तीन जजेस छोड़ के उनके बाद सीनियोरिटी में जो आते हैं जस्टिस A.N. Ray, उनको अपॉइंट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना बायस इन्वॉल्व है गवर्नमेंट का। बेसिकली वो ऐसा CJI चुनना चाह रहे हैं जो उनके अकॉर्डिंग मैटर्स का डिसीजन ले। तो जो हमारी इंडिपेंडेंस है तीनों इंस्टीट्यूशंस की, वो खत्म हो रही है, ओवरलैप हो रही है, राइट। चलिए, और सेकेंड डेवलपमेंट क्या होती है? हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद ऐसा डिक्लेयर कर देता है कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है,
इनवैलिड यानी कि माना नहीं जाएगा और इलीगल है, राइट। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे इस इशू के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तब जाके हम समझेंगे कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई। आगे चलते हैं। अब जो CJI की अपॉइंटमेंट हुई वो एक पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इशू बन गया। क्यों? बिकॉज ऑल द 3 जजेस हु वर सुपरसीडेड हैड गिवन रूलिंग्स अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। जिन 3 जजेस को CJI सीनियोरिटी के बेसिस पे नहीं बनाया और 4th को बनाया, क्यों? क्योंकि जो पहले 3 थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजंस लिए थे, जो हमने कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी पढ़ा उसमें। दस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस and political ideologies were getting mixed up rapidly. Constitution को हम कैसे interpret कर सकते हैं, जो लिखे हुए provisions हैं, right? ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और जो political ideologies है parties की, अब इन सबको mixture होने लगा। वो जो independence थी वो नहीं रही। People close to the Prime Minister started talking of the need for a judiciary and a bureaucracy committed to the vision of the executive and the legislature, right? अब लोग ये बात करने लगे कि हमें तो ऐसा institution चाहिए जो हमारी government, हमारी legislature को support करे, right? जो हमारा vision है वही वो देखे, यानी कि जो independence हम पढ़ते आए हैं 3 pillars, उनको merge करने की करके एक authoritative democracy बनाई जा रही थी, right? चलिए आप चलते हैं क्लाइमैक्स पे। डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, कब और कैसे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई? 12 जून 1975, याद कर लीजिए, 12 जून 1975, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ विच हाई कोर्ट? अलाहाबाद हाई कोर्ट। अलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में है। पास्ड अ जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधीज इलेक्शन टू द लोकसभा एज इनवैलिड। अब ये कैसे होता है, जब एक इलेक्शन पेटिशन डाली जाती है, राइट, तो उसके रिस्पॉन्स पे पूरी कार्यवाही होती है कि कैंडिडेट एलिजिबल था या नहीं इलेक्शंस के लिए, उसने कोई अनफेयर मीन्स तो यूज़ नहीं करे, करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं करे ड्यूरिंग द कैंपेन, तो इसके अकॉर्डिंग जजमेंट लिया जाता है। दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पेटिशन फाइल्ड बाय होम? राज नारायण। राज नारायण, ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर एंड अ कैंडिडेट हु हैड कंटेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन 1971, राइट। जो इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे उस इलेक्शंस में, उन्होंने ये इलेक्शन पेटिशन सबमिट किया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है। किस बेसिस पे, क्या रीज़न? दैट ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हर इलेक्शन कैंपेन। अलाउड नहीं होता है आप गवर्नमेंट की कोई भी, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यूज़ करें, गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ करें, राइट, कोई भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सर्विसेज अपने कैंपेनिंग के दौरान, जब आप इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग होती है, रैलीज निकलती हैं, राइट, तब आप नहीं कर सकते, राइट, अनफेयर मीन्स करप्ट प्रैक्टिसेस में ये आता है, और इसी ग्राउंड पे उनका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। बाय होम? बाय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इस जजमेंट से क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, क्या मतलब है इसका? दैट वो एक MP नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब वो नहीं है लीगली अगर हम देखें, राइट। देयरफोर शी कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अनलेस शी वॉज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन MP विद इन 6 months। वापस से उनका री इलेक्शन हो, जब बाई इलेक्शंस हो तो वही जीते सीट पे वापस आए और फिर वो PM रिगार्डेड करी जा सकते, लेकिन अभी तो नहीं, बिकॉज शी इज़ नॉट एन MP, तो वो PM कैसे बनेंगी? यहाँ पे क्या है, 12th June, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट June 24 को द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे ऑन द हाई कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। अब काम आई ना यहाँ पे, क्या जो बायस होके उन्होंने CJI को अपॉइंट किया था, राइट, टिल हर अपील वॉज डिसाइडेड शी कुड रिमेन एन MP। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली उन्होंने अपील की, राइट, कि ये डिसीजन सही नहीं है। अब जब तक पूरा उनका वो अपील का डिसीजन नहीं आ जाता, माना जाएगा दैट शी कुड रिमेन एन MP, कि वो MP तो रहेंगी लेकिन किसी भी लोकसभा की प्रोसीडिंग में वो पार्ट नहीं ले सकती, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, फिर क्या होता है, ये तो अभी फैक्ट्स पढ़े हमने, आगे देखते हैं कैसे चीज़ें बिगड़ती हैं। 25th
5th June 1975, opposition political parties led by whom? Led by J.P. Narayan pressed for Indira Gandhi's resignation. उन्होंने डिमांड करी कि इंदिरा गांधी को रिजाइन करना पड़ेगा. Organized a massive demonstration, massive rally, massive protest in Delhi's Ram Leela grounds. Right? कब? 25th June 1975 को. जयप्रकाश नारायण announced a nationwide सत्याग्रह for her resignation and asked the army, police and government employees to not follow her orders. कि सब कोई भी बात मत सुनो, because ये सारे जो orders हैं ये illegal हैं, गैर कानूनी हैं और immoral orders हैं, क्योंकि भाई वो MP ही रहने की state में नहीं है, तो PM की हम क्यों सुने, right? Threatened to bring the activities of the government to a standstill. Who? This massive demonstration led by J.P. Narayan. The political mood of the country had turned against the Congress more than ever before. अब देख ही रहा है कैसे Congress के against, अगर अच्छा time आएगा तो बेटा बुरा time भी आएगा, right? Response of the government क्या था इस पूरे scenario के तरफ? They declared a state of emergency. कैसे respond किया? Emergency लगा दी, सबकी power छीन ली और खुद authoritative बन गए. अभी देखते हैं कैसे. 25th June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbances. ध्यान दो, ground क्या दिया है, reason क्या दिया है government ने? Threat है internally within the country disturbances हो रही हैं. So internal disturbances का threat है, इसीलिए हम national emergency impose कर रहे हैं. अब ना इसमें दो grounds होते हैं, एक होता है external threat जब आप वॉर लाइक सिचुएशन में हो, और एक होता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का. तो ये दूसरे ग्राउंड को पहली बार यूज किया गया 1975 में. इट इन्वोक्ड आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर ऑल योर कीवर्ड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर CUET. अच्छा जी, आर्टिकल 352 क्या कहता है? अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या चूज किया? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का. क्या बोला? कि ये जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने अनरेस्ट हो रहे हैं, राइट, इतने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, ये हमें स्मूथ फंक्शनिंग नहीं करने दे रहे जो डे टू डे गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं. द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट अ ग्रेव क्राइसिस हैड अराइजन विच मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी नेसेसरी. कि बहुत ज्यादा ही ग्रेव क्राइसिस आ गई हैं, बहुत दुविधाजनक सिचुएशन आ गई है, इस वजह से हमें इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ेगी. अच्छा, अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, इमरजेंसी क्यों लगाई? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं? जी हाँ, सम स्पेशल पावर्स टू द गवर्नमेंट आर गिवन वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन अ कंट्री. तो गवर्नमेंट के पास और ज्यादा पावर्स आ गई, जिसकी वजह से वो जो चाहे कर सकती है. वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट All or any, ध्यान से सुनो, fundamental rights during the emergency. जो ऐसे नहीं पकड़ा तो कैसे पकड़ लिया? घुमा के पकड़ लिया, समझे? पहले जो अलाउ नहीं किया जुडिशरी ने, वो हमने इमरजेंसी लगा के ले लिया. आपकी फंडामेंटल राइट्स हम छीन लेंगे, है ना? द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टेट और सेंटर का डिविजन होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो खत्म हो जाता है. फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, वो सस्पेंड हो जाता है प्रैक्टिकली फॉर दिस टेम्पररी पीरियड. सारी पावर किसके पास आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. चाहे अब स्टेट में कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट हो, कोई भी रीजनल पार्टी हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट? अब देखते हैं, नाइट ऑफ 25th June 1975, Prime Minister recommended the imposition of emergency to whom? Final किसके दस्तखत हुए? President Fakhruddin Ali Ahmed. President Fakhruddin Ali Ahmed. ठीक है, किसने recommend किया? Prime Minister ने. क्या लगा दी जाए? A state of emergency लगा दी जाए. किसको recommend किया? President Fakhruddin Ali Ahmed को. He issued the proclamation immediately. वो तो obviously जो Prime Minister बोलेगा वही होगा, है ना?
आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेस डिसकनेक्टेड. इलेक्ट्रिसिटी काट दी न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग प्रेस ताकि खबरें ना छपे क्या हो रहा है. अर्ली मॉर्निंग में जाके अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स, लीडर्स जो ऑपोजिशन के थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड वर्कर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया. 6 a.m. on 26th June, the cabinet, बहुत खास बात है यहाँ ध्यान दो, the cabinet was informed about it at a special meeting. जो decision पहले cabinet को साथ में prime minister के लेना चाहिए, वो decision लेने के बाद prime minister cabinet ministers को बता रही है कि ये हो गया है. देख रहे हैं आप, समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं. आप देखो, इमरजेंसी तो लगा दी गई, फिर एज अ रिजल्ट क्या किया गया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रिजल्ट था, आफ्टरमैथ क्या थी इमरजेंसी की. चलो ये सीधा पॉइंटर्स में लिख दिया ताकि आप आंसर्स ऐसे ही फ्रेम करें कॉन्सिक्वेंसेस का. दिस ब्रॉट द एजिटेशन टू एन अब्रप्ट स्पॉट स्टॉप एन अब्रप्ट स्टॉप. जो एजिटेशन प्रोटेस्ट चल रहे थे वो एकदम से अब एक बंद हो गए, राइट. स्ट्राइक्स वर बैंड, स्ट्राइक्स को बैन कर दिया गया, अलाउड नहीं थी, इलीगल थी. मैनी ऑपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल. अब देख रहे हो आप, जेल में वर्कर्स ऑपोजिशन लीडर्स सबको डाला जा रहा है. क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन. अभी इसके बारे में भी जानेंगे, कीवर्ड है बिल्कुल लिखना है आंसर में. द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम वेरी क्वाइट दो टेंस. The government suspended the freedom of the press. Very important. Freedom of the press. Press क्या है? Media. Right? उनकी freedom छीन ली गई. यानी कि fundamental right पे attack हो रहा है. Freedom to speech. Right? So, newspapers were asked to get prior approval for all material to be published. यानी कि press censorship. This is known as press censorship. जैसे movies होते हैं ना, पहले सेंसर बोर्ड को दिखाई जाती है, फिर वो कट करते हैं कुछ सीन्स जो वो नहीं अलाउ करते, राइट. सिमिलरली न्यूज़पेपर में भी कोई आर्टिकल इन्फॉर्मेशन छपने से पहले गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा. समझे बात, राइट. चलिए, apprehending social and communal disharmony, the government banned राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS and जमायत ए इस्लामी की कोई भी social या फिर religious communal basis पे disharmony या conflict ना हो, इन दोनों organizations को ban कर दिया गया. Protests and strikes and public agitations were also disallowed, ban कर दिए गए थे, यहाँ हमने पढ़ा. The various fundamental rights of citizens stood suspended. सबसे बड़ी बात, जो fundamental rights, जो basic rights हैं हमारी, वो छीन ली गई. Including the right to constitutional remedies. जो हमारी right to constitutional remedy होती है वो क्या होती है, वो ये right होती है कि अगर आपकी कोई भी fundamental right violate हुई है तो आप court में जाके उसको enforce करा सकते हो. तो ये right कि हम court में जाके बोल पाए हमारी violation हुई है, ये भी छीन ली गई, right. आगे चलते हैं, बात आ गई प्रिवेंटिव डिटेंशन की. द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? अभी तक आपने कोई जुर्म नहीं किया है बट हम को लग रहा है आप करोगे तो हम आपको पहले ही अरेस्ट कर रहे हैं. समझ रहे हो कितनी मतलब इलॉजिकल बात है, राइट. कि किसी ने मर्डर किया नहीं है बट मुझे लग रहा है वो मर्डर करने वाला है तो मैं उसे जेल में डाल रही हूँ ताकि वो ना करे, प्रिवेंट करने के लिए, राइट. अंडर दिस प्रोविजन पीपल आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस बट ऑन द एप्रिहेंशन शक पॉसिबिलिटी दैट दे मे कमिट एन ऑफेंस, कि वो कर सकते हैं. समझे बात. चलिए, तो किस चीज़ के एप्रिहेंशन पे, कि स्ट्राइक्स कर सकते हो आप, हड़ताल कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, अनरेस्ट कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये सब. और गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट सेडिशन आप कर सकते हो, राइट. मेड लार्ज स्केल अरेस्ट ड्यूरिंग द एमरजेंसी. अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हेबियस कॉर्पस पेटिशन. तो जो रिट थी हमारी वो भी छिन गई. क्यों? जब हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज छिनी तो साथ ही साथ कोर्ट में जाके हम ये बोले कि भाई हमें इलीगली डिटेन किया या अरेस्ट किया है, वो भी आप नहीं कर सकते. तो आप देख सकते हैं कैसे जो सारे सिटीजन्स हैं जिनको बोला जाता है कि डेमोक्रेसी किसकी है, पीपल की है, लोगों की है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, बट पीपल को कहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, कोई भी पावर नहीं है. द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म द अरे
person of the reasons and grounds of their arrest. कि ये भी जरूरी नहीं है आपको बताना कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं. तो रीजन और ग्राउंड जानना भी अब आपका हक नहीं रहा क्योंकि हमने इमरजेंसी इम्पोज कर दी है. सेवरल हाई कोर्ट्स गेव जजमेंट्स दैट इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी द कोर्ट्स कुड एंटरटेन अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल्ड बाय अ पर्सन चैलेंजिंग हिज और हर डिटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ सिटीजंस. कई हाई कोर्ट्स ने बोला कि जी नहीं, हम हेबियस कॉर्पस रिट लेंगे और आपको इलीगली डिटेन किया है या नहीं वो डिसाइड कर सकते हैं, तो आओ और हमारे पास आप रिट लाओ. हेबियस कॉर्पस रिट क्या होती है? जब आप कोर्ट के पास जाके ये बोलते हैं कि मुझे अनलॉफुली या इलीगली डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया है, राइट, एंड उस पर डिसीजन आता है. चलिए, इन अप्रैल 1976 The Constitution Bench of the Supreme Court overruled the High Court and accepted the government's pleas. वापस से Supreme Court ने किसका साथ दिया? Government का साथ दिया. उन्होंने बोला कि जी हाँ बिल्कुल, emergency के दौरान government citizens' right to life and liberty तक छीन सकती है. समझे बात? This is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court कि आपके पास जीने तक का हक नहीं है अगर emergency impose हो गई. This judgment closed the doors of judiciary for the citizens once an emergency was imposed. तो इससे यहाँ पे again दिख रहा है Supreme Court में जो हमने bias होके Chief Justice appoint किया तो decision government के favor में आ रहा है. Right, just an analysis. आगे चलते हैं. मैनी पॉलिटिकल वर्कर्स हु वर नॉट अरेस्टेड इन द फर्स्ट वेव वेंट अंडरग्राउंड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. यानी कि छुप छुप के वो गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे कि कैसे हम क्या कर सकते. साजिश तो क्या, प्रोटेस्ट. न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रेस सेंसरशिप By leaving blank columns, right? जहाँ पे उनका आर्टिकल सेंसरशिप के दौरान कटा होता था उसको छोड़ देते थे ऐसे ही कि लोग समझ जाएं यहाँ से गवर्नमेंट ने आर्टिकल हटा दिया है, right? As a protest. बाकी मैगजीन्स जैसे कि द सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम नाम है उनके, इन्होंने तो दे चोज टू क्लोज राइट रैदर दैन टू सबमिट टू सेंसरशिप. उन्होंने बंद ही कर दिया छापना मैगजीन्स बिकॉज ऑफ सेंसरशिप. आगे चलते हैं. मैनी जर्नलिस्ट्स वर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी. जो भी इमरजेंसी के खिलाफ लिख रहा है उन जर्नलिस्ट्स को भी अरेस्ट कर रहे हैं. मैनी अंडरग्राउंड न्यूज लेटर्स एंड लीफलेट्स, जो अंडरग्राउंड यानी कि हिडन जो चीज़ें लिखी जा रही थी, देवर पब्लिश्ड टू बाईपास सेंसरशिप. सेंसरशिप से छुप के ऐसी चीज़ें लिखी जा रही थी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले. नाउ टू ऑफ द राइटर्स, शिवराम करंत एंड फानेश्वरनाथ रेणु. शिवरामा करंत, ही वॉज अ कन्नडा राइटर अवॉर्डेड विद पद्मा भूषण, एंड फानेश्वरनाथ रेणु, ही वॉज अ हिंदी राइटर अवॉर्डेड विद पद्मश्री. इन दोनों ने प्रोटेस्ट में अपने अवार्ड्स रिटर्न कर दिए, राइट, बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मैनी न्यू चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो भैया अब अमेंडमेंट भी ला दी गई, जो कुछ हो सकता है इमरजेंसी लगा के कर दिया जाए ये सोचा. एन अमेंडमेंट वॉज मेड डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट. तो भैया इलेक्शन लॉ का ही पूरा सब कुछ समाप्ति कर दी. आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते. एक बार हो गया तो टर्म वो पूरी करके ही हटेगा, राइट. अपने फेवर में फिर से एक अमेंडमेंट निकाल दी. अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. बहुत इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट. इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. काफी सारे चेंजेस लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से वन वॉज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द कंट्री वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स. कि 6 साल तक जो गवर्नमेंट है वो पावर में रहेगी, जो टर्म है वो 6 ईयर हो जाएगा, राइट. सो 42nd अमेंडमेंट कौन से साल में आई और इसको क्या बोला जाता है, राइट, एक टर्म है वो कॉमेंट करके बताओ. ये वही अमेंडमेंट है जिसमें हमारे प्रियम्बल में
सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स भी इंक्लूड करे गए थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज डैश, और कौन से साल में आई कॉमेंट करके बताइए, आपको याद रहेगा। बिसाइड्स दिस, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इलेक्शंस कैन बी पोस्टपोन्ड बाय वन ईयर, ये बोला गया कि ये एक चेंज लाया गया कि जब एक इमरजेंसी लग जाए तो इलेक्शंस को एक साल हम पोस्टपोन कर सकते हैं। दस इफेक्टिवली इसी वजह से 1971 के बाद 1978 में इलेक्शंस होने थे इंस्टेड ऑफ 1976, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लग गई, राइट, जो काफ़ी टाइम तक चली, तो 78 में होंगे अब इलेक्शंस, ऐसा बोल दिया। अब चलते हैं कि हमने क्या सबक सीखा, व्हाट वर द लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, क्या क्या हमने सीखा, राइट। तो द इमरजेंसी एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन की दोनों क्या क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वो दोनों हमें पता चली इमरजेंसी सिचुएशन के बाद। सबसे पहला लेसन क्या है, अगर आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट्स में 1, 2, 3 करके फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन ऐसे लिखेंगे। वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते। इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू अबॉलिश डेमोक्रेसी इन इंडिया और टू रिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। सेकेंड लेसन हमने क्या सीखा, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज, एम्बिग्विटीज यानी कि डाउट्स, ऐसी चीजें जो क्लियर नहीं है, राइट, अनक्लियर कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड सिंस देन। तो हमें कुछ ऐसी एम्बिग्विटीज पता चली कि जैसे इमरजेंसी का जो प्रोविजन है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या हो सकता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करें, कब वो लगाई जा सके, तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली हम प्रोविजन है उसको डिज़ाइन करें, तो ये एम्बिग्विटीज निकल के आई और इसको सुधारा भी गया। कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन यानी कि जब वॉयलेंट अपराइजिंग्स हो, आर्म्ड रेबेलियन हो, वॉयलेंस हो, राइट, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस को हम इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड में नहीं डाल सकते। इट इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेजिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय हूम, बाय द यूनियन कैबिनेट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस द कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। सो यहाँ पे जहाँ पे बाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म कर गया सुबह जब इमरजेंसी लग चुकी थी, दैट वॉज इलीगल, इसीलिए इसमें सुधार लाया गया और यूनियन कैबिनेट राइटिंग में जब प्रेसिडेंट को देगा तभी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। दीज वर द चेंजेस, ध्यान दीजिए। चलिए थर्डली देखते हैं क्या सबक हमने सीखा, क्या लेसन मिला। द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। वो होता है ना, जब हमसे कुछ चीज़ें छिन जाती हैं तब हमें उनकी वैल्यू का पता चलता है, राइट। तो हमें क्या पता चला, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें कितनी ज़्यादा प्रिजर्व करके रखनी चाहिए और कितने ज़्यादा हम लकी हैं कि हमें मिली हैं, राइट। एंड इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता चली। सिविल लिबर्टीज़ यानी कि एक फ्रीडम से जो हम जी पा रहे हैं इंडिया एज अ डेमोक्रेसी में इज ड्यू टू दीज लिबर्टीज, सो अवेयरनेस क्रिएट हुई। क्लियर, परफेक्ट। आगे चलते हैं। The courts too have taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties of individuals. तो courts ने भी, judiciary ने भी एक active role play किया to protect these rights of the citizens. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. क्योंकि emergency में जैसे हमने पढ़ा जो पावर थी सिटीजन की कोर्ट में जाके बोलने की कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो छीन ली गई थी, राइट। लेकिन आफ्टर द इमरजेंसी ये सुधार लाया गया। मैनी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस केम अप आफ्टर दिस एक्सपीरियंस। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो देखेंगी कि कुछ भी वॉयलेशन नहीं हो रहा है राइट्स का और अवेयरनेस क्रिएट करेंगी, राइट। चलिए
अब चलते हैं इश्यूज पे, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज दैट हैव नॉट बीन एडिक्वेटली ग्रैपल्ड विद, जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और काम नहीं किया गया, कोई भी सुधार नहीं लाया गया। सबसे पहला, टेंशन बिटवीन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द कंटिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स बाय पार्टीज एंड ग्रुप्स। जो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बार बार बोला हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में, स्मूथ फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, वो ये प्रोटेस्ट्स हैं जो कि पार्टीज और ग्रुप्स कर रहे हैं, राइट। सो शुड द सिटीजन्स हैव फुल फ्रीडम टू एंगेज इन प्रोटेस्ट एक्टिविटी और शुड दे हैव नो सच राइट एट ऑल, इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली, राइट। जो हमारी राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें हम प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, बाध, हड़ताल, ये सब कर सकते हैं, वॉट आर दी लिमिट्स टू सच अ प्रोटेस्ट, किस हद तक ये प्रोटेस्ट अलाउ होने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम कॉज ना हो हमारी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, राइट। सो दिस वॉज एन अनसॉल्व्ड इशू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द शाह कमीशन रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शाह कमीशन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस बिकेम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर्स। अब फर्स्ट कौन गया यहाँ पे, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा प्रोन हो गए पॉलिटिकल प्रेशर्स में आने के और अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज काम करने के। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, एग्जीक्यूटिव करता है ना, जो बोला गया उसको लागू तो यही हमारी ब्यूरोक्रेट्स है जो एडमिनिस्ट्रेशन के, वो करेंगे और पुलिस फोर्सेस करेंगी। दीज इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, तो जो इंडिपेंडेंस थी वो छिन गई, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट बोल रही है वैसा करना पड़ रहा है। दे वर टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, सो दे एक्टेड एज द पपेट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश इवन आफ्टर द इमरजेंसी, तो ये हमारी दूसरी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, अनसॉल्व इशू है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो हमारा इमरजेंसी वाला पूरा फेज था, जहाँ पे हमने पहले बिहार और गुजरात स्टूडेंट मूवमेंट पढ़ी, फिर हमने इमरजेंसी की डिक्लेरेशन कैसे हुई वो जाना, कॉन्सिक्वेंसेस जाने और लेसन्स जाने, ये सब कुछ हो चुका है। अब चलते हैं इमरजेंसी के बाद में जो इलेक्शंस हुए, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड, बहुत ध्यान दीजिए। चलिए अब होते हैं 1977 इलेक्शंस, राइट। The 1977 elections turned into a referendum on the experience of the emergency. यानी कि लोगों ने अब इसको क्या बोला कि अब हमारी बारी है गवर्नमेंट को दिखाने की कि हमारी पावर क्या है, हम इनको हटा देंगे, राइट। रेफरेंडम यानी कि इन रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी जो हुई थी, जो लागू की गई थी, जैसा हुआ था हमारे साथ उसके रिस्पॉन्स में अब हम वोट करेंगे। एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज फेल्ट मोस्ट स्ट्रांगली, नॉर्थ इंडिया में इमरजेंसी अराउंड द कैपिटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इम्प्लीमेंट हुई थी, इसलिए यहाँ पे तो स्पेशली अगेंस्ट ही मोस्टली लोग वोट करने वाले थे एज अ रेफरेंडम, राइट। द ऑपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। अब ऑपोजिशन पार्टी के पास आ गया है स्लोगन, आ गया एक एजेंडा, आ गया एक मुद्दा, आ गया एक नारा कि डेमोक्रेसी बचाओ, सेव डेमोक्रेसी, जो अभी आपके साथ हुआ वो वापस ना हो। द पीपल्स वर्डिक्ट वॉज डिसाइसिवली अगेंस्ट द इमरजेंसी, लोग ऑब्वियसली इमरजेंसी के अगेंस्ट अब वोट करने वाले थे, यानी कि इंदिरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट अब वोट करने वाले थे। द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी, सबसे ज़रूरी जो हमने सबक सीखा वो क्या है, गवर्नमेंट्स दैट आर परसीव्ड टू बी एंटी डेमोक्रेटिक आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स। इसको अपने लेसन में ऐड कर लेना, फोर्थ लेसन, राइट, कि जो भी गवर्नमेंट लग रहा है कि एंटी डेमोक्रेटिक होती जा रही है, अथॉरिटेटिव होती जा रही है, लोगों से उनकी पावर छीन रही है, आफ्टर ऑल जब वोटिंग की बारी आएगी, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो उस गवर्नमेंट को लोग हटा डालेंगे, राइट। सो गवर्नमेंट्स दैट आर परसीव्ड टू बी एंटी डेमोक्रेटिक आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स, क्लियर है। तो यही हुआ हमारे 1977 इलेक्शंस में। द एक्सपीरियंस ऑफ 1975 to 77 एंडेड अप स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्योंकि लोगों का सीधा जो टारगेट था दैट वॉज टू सेव डेमोक्रेसी, जो हमारी राइट्स छीन ली गई थी, हम पे अत्याचार हो रहा था, नाम नाम की डेमोक्रेसी रह गई थी, उसको बचाएं और टू डेमोक्रेसी बनाएं।
चलिए जानते हैं फिर लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1977 में क्या रिजल्ट आता है। जनवरी 1977, आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस। कब? जनवरी 1977 में, आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी। ध्यान दो, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ऑल द लीडर्स आर एंड एक्टिविस्ट्स वर रिलीज्ड फ्रॉम जेल्स। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन फाइनली खत्म हुआ। देन मार्च 1977 में इलेक्शंस वर हेल्ड। दिस लेफ्ट द ऑपोजिशन विद वेरी लिटिल टाइम, क्योंकि आधा टाइम तो वो जेल में थे, अब उनको एक कैंपेन भी करना था क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे 2 महीने बाद। मेजर ऑपोजिशन पार्टीज हैड ऑलरेडी बीन कमिंग क्लोजर इन द प्री इमरजेंसी पीरियड। राइट, हमने देखा कि जो मोस्टली ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने पहले भी क्या बनाया था, ग्रैंड अलायंस बनाया था। अब क्या होता है, नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस एंड फॉर्मड अ न्यू पार्टी नोन एज द जनता पार्टी। तो सारे ही जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो मिल के एकजुट होकर जनता पार्टी बना लेती हैं एज अपोज टू द कांग्रेस। क्लियर है? चलिए, लीडरशिप कौन है? जेपी, जनता पार्टी, तो जयप्रकाश नारायण। राइट, एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज्ड टू द इमरजेंसी आल्सो जॉइंड दिस न्यू पार्टी। तो कांग्रेस में भी जो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इमरजेंसी के खिलाफ थे, वो कांग्रेस छोड़ के इस पार्टी में आ गए। सम अदर कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो केम आउट एंड फॉर्मड अ सेपरेट पार्टी। अब कांग्रेस के अंदर ही बाकी जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि कांग्रेस रिक्वेसिशनिस्ट का वापस से काइंड ऑफ स्प्लिट, या फिर एक नई पार्टी बन गई सेलेक्टेड कुछ लीडर्स की, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो बाद में जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई, लेटर मर्ज विद जनता पार्टी। यानी कि वही बात हुई, जो कुछ लीडर्स जनता पार्टी में चले गए थे आफ्टर इमरजेंसी, इनडायरेक्टली कुछ लीडर्स ने ऐसा ही किया। राइट, अच्छा जी, और ये जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है, ये किसकी लीडरशिप के अंडर थी? जगजीवन राम। जगजीवन राम, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है सीयूईटी के। चलिए, अब जनता पार्टी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी वाले लीडर्स भी मर्ज हो जाते हैं। दिस एंश्योर्ड दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। सारी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो साथ में मिलकर एक पार्टी बना गई, क्योंकि जनता पार्टी, अब कोई भी वोट्स का डिविजन नहीं होगा, सारे वोट एक ही तरफ आएंगे, क्योंकि क्या ऑल्टरनेटिव रह गया कांग्रेस से हटके? जनता पार्टी। मेड दिस इलेक्शन इंटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी, कि जो आपके साथ हुआ है उसके रिस्पॉन्स में अब आपका वोट करने का टाइम आ गया है। रेफरेंडम को हम एक डायरेक्ट वोट ऑन अ इशू, राइट, तो डायरेक्ट वोट बना दिया किसके लिए, कि आप इमरजेंसी के खिलाफ थे या नहीं। इट्स कैंपेन वॉज फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल, कि कैसे नॉन डेमोक्रेटिक रूल हो गया था इमरजेंसी के दौरान। द वेरियस एक्सेसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक्सेसेस यानी कि फॉर एग्जाम्पल करप्शन, पॉलिटिक्स को पर्सनलाइज कर दिया गया था, राइट, ये सारे एक्सेसेस यानी कि जो सारी बुरी चीजें हुई, राइट। चलिए, प्लस इन द बैकड्रॉप ऑफ अरेस्ट्स of thousands of persons and the censorship of press, the public opinion was obviously against the Congress. जो हमने consequences पढ़े, press censorship, preventive detention, सब कुछ हो गया था, तो definitely people were against Congress. The going was tough for the Congress. तो Congress के लिए obviously अब बुरा time शुरू हो चुका था। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हमने पढ़ा, ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी, टोटल रेवोल्यूशन, राइट। तो जेपी नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल एज अपोज टू इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। द फाइनल रिजल्ट्स टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1947, सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस। 1977 से पहले जितने भी हमारे इलेक्शन हुए, हमने देखा कि कांग्रेस हारी नहीं, भले ही कम मेजॉरिटी लाई, लेकिन हमेशा जीती। यहाँ पे देख रहे हैं डिफीट हो गई फाइनली, कांग्रेस वॉज नॉट इन पावर, इट कुड विन ओनली 154 सीट्स, शेयर ऑफ पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस देन 35%, 35% से भी कम वोट्स उन्हें मिले। जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज
सबने मिलके 330 सीट्स जीती आउट ऑफ 552, जिसमें से सिर्फ जनता पार्टी की 295 सीट्स थी। दे इंजॉयड अ क्लियर मेजॉरिटी, जैसा पहले कांग्रेस को मिला करती थी, अब जनता पार्टी को मिली। कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। अब अगर हम बात करें बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नहीं जीती। कुड विन ओनली वन सीट ईच इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में से भी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीती, राइट? चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो इंदिरा गांधी, हर सन संजय गांधी। ओके, इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? रायबरेली। एंड संजय गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम अमेठी। क्लियर है? चलिए, बट कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन हर एक स्टेट में नहीं हारी, इट रिटेन्ड मैनी सीट्स इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा एंड वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू द सदर्न स्टेट्स। जैसे हमने बात करी इमरजेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे लागू हुई और फील करी गई, इट वॉज द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो साउथ में वापस से कांग्रेस ही काफ़ी सारी सीट्स जीत गई थी। रीजन क्या है? बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी वॉज नॉट फेल्ट इक्वली इन ऑल द स्टेट्स। साउथ में कम था। कैसे? जो फोर्स्ड रीलोकेशन था, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दिया गया कि नहीं आप यहाँ रहे, डिस्प्लेसमेंट हुए, राइट? फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, यानी कि पीपल वर टोल्ड टू नॉट रिप्रोड्यूस, राइट, वर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, राइट? नॉर्थ में ही इसका जो इम्पैक्ट था वो हुआ था। द मिडल कास्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वर बिगनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस। पहले जो हमने देखा गरीबी हटाओ में क्या हुआ, काफ़ी सारी जो प्रो पुअर इनकी स्ट्रैटेजी थी वो काम कर रही थी। लेकिन नाउ द जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर मैनी ऑफ दीज सेक्शंस टू कम टुगेदर। आगे चलते हैं। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन अ मैप। जनता पार्टी, ये पूरा जो ग्रीन आपको दिख रहा है, दिस इज योर जनता पार्टी मेजॉरिटी। येलो में है आपका कांग्रेस, ठीक है, एंड बाकी लेफ्ट पार्टीज और अदर्स। चलिए अब जानते हैं, जब जनता गवर्नमेंट बनी, पावर में आई जनता पार्टी, तो देखते हैं कैसा रूल हुआ, क्या हुआ। The Janata Party government that came to power after the 1977 elections was far from cohesive. Cohesive yani ki united, right? Jo काफी ज्यादा intact है, together है. After the election, अब भैया prime ministership के लिए इसमें stiff competition हुआ within the Janata Party. There was stiff competition among three leaders for the post of prime minister. मुरारजी देसाई वर्सेस चरण सिंह वर्सेस जगजीवन राम, राइट? मुरारजी देसाई, हु वॉज द राइवल ऑफ इंदिरा गांधी एवर सिंस द 1966-67 इलेक्शंस। फिर चौधरी चरण सिंह, लीडर ऑफ द भारतीय लोकदल एंड अ फार्मर्स लीडर फ्रॉम यूपी। एंड जगजीवन राम, ही हैड वास्ट एक्सपीरियंस एज अ सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच में प्राइम मिनिस्टर बनने का कॉम्पिटिशन होता है विद इन द जनता गवर्नमेंट। चलिए, इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द जनता पार्टी, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड। अब क्या है, पार्टी के अंदर ही वीकनेसेस देख रहे हैं। जनता पार्टी लैक्ड डायरेक्शन, लीडरशिप एंड अ कॉमन प्रोग्राम, क्योंकि वो काफ़ी सारी ऑपोजिशन पार्टीज का मिक्सचर थी, तो कोई एक सिंगल कॉमन प्रोग्राम नहीं था, आइडियोलॉजी नहीं थी, राइट? और आपका डायरेक्शन नहीं था। लीडरशिप भी अगेन, क्योंकि कैसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन से आई, तो उतना ज़्यादा कोहेसिव, यूनाइटेड नहीं थी ये पार्टी। कुड नॉट ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसीज फ्रॉम दोज परस्यूड बाय द कांग्रेस। कोई इन्होंने खास पॉलिसीज या चेंजेस नहीं लाए वंस दे गॉट इन टू पावर। फिर क्या होता है, जनता पार्टी स्प्लिट हो जाती है। द गवर्नमेंट विच वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी इन लेस दैन 18 मंथ्स। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और 18 मंथ्स में ही
ये जो मोरारजी देसाई की पार्टी थी, जनता गवर्नमेंट, राइट, ये लूज कर जाती है मेजोरिटी, मेजोरिटी नहीं होती इनके पास लोकसभा में. देन अनदर गवर्नमेंट हेडेड बाय चौधरी चरण सिंह वॉज फॉर्म्ड ऑन द अश्योरेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. अच्छा, अब इसमें दूसरी गवर्नमेंट को मेजोरिटी कैसे मिलती है लेड बाय चौधरी चरण सिंह, कि कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करेगी. लेटर कांग्रेस पार्टी धोखा दे देती है और विड्रॉ इट सपोर्ट कर देती है. आगे देखते हैं, तो ऑब्वियसली अब मेजोरिटी यहां पे भी गिर गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी. चरण सिंह गवर्नमेंट को रिमेन इन पावर जस्ट फॉर अबाउट 4 मंथ्स, पहले 18 मंथ्स और अब 4 मंथ्स. अब क्या होता है, जनवरी 1980 में, 77 के बाद 80 में फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस होते हैं. क्या अब जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस? जनता पार्टी सफर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट, हार जाती है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया जिन्होंने उसको पिछले इलेक्शन में जिताया था. कैसे, क्यों? वापस से कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री इन 1971. जैसी मेजोरिटी बहुत अच्छी वोट से सीट्स जीती थी कांग्रेस पार्टी ने 1971 में, वही वापस रिपीट होता है 1980 के इलेक्शंस में और कांग्रेस वापस से पावर में आ जाती है. 1353 सीट्स एंड केम बैक टू पावर. द एक्सपीरियंस ऑफ 1977 to 79, जब जनता पार्टी पावर में थी, टॉट अनदर लेसन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अब क्या लेसन सीखा, दैट गवर्नमेंट्स दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड क्वारलसम विद इन देमसेल्व्स आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स. क्योंकि वो जनता गवर्नमेंट जो थी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी, राइट, कभी मेजॉरिटी गिर रही है, कभी फिर फॉर्म हो रही है, एंड साथ ही साथ आपस में ही क्वारलसम थी, आपस में ही लड़ते रहते थे, कोई क्लियर आइडियोलॉजी डायरेक्शन नहीं था, राइट. सो दैट इज व्हाई वोटर्स ने उन्हें भी पनिश किया और दूसरी गवर्नमेंट ला दी. अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, व्हाट वाज द लेगेसी, लेगेसी पे जानते हैं. सिंस 1969 द कांग्रेस पार्टी had started shedding its character as an umbrella party. 1969 के बाद से जो umbrella party, जो factions, सारा ही जो social है वो सारे ही जो social groups है वो within the Congress है, जो Congress system है वो उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था. Now it identified itself with a particular ideology. कौन सी ideology? Pro poor, right? Socialist and pro poor party. दिस पॉइंट इज अबाउट द अम्ब्रेला पार्टी, की कैसे तब डिफरेंट लीडर्स और वर्कर्स थे जिनके डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी और व्यू पॉइंट्स थे और वो विद इन कांग्रेस एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था. फिर अर्ली 1970s में क्या हुआ, कांग्रेस पॉलिटिकल सक्सेस डिपेंडेड ऑन अट्रैक्टिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स एंड द अपील ऑफ वन लीडर इंदिरा गांधी. तो अब हमने जो भी कांग्रेस के बारे में पढ़ा है हम रिकैप कर रहे हैं, पहले कैसे वो एक कांग्रेस सिस्टम था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में, जहाँ पे सारे मिक्स आइडियोलॉजी वाले लीडर्स भी थे, लेकिन 69 ऑनवर्ड्स ऐसा नहीं था, राइट. फिर 70s में जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी प्रो पुअर और सोशलिज्म वाली, उसी ने उसको डायरेक्शन दी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. Other opposition parties relied more and more on what is known as non-congressism, realized the need to avoid a division of non-congress votes in the election. फिर क्या हुआ, फिर opposition parties ने क्या realize किया कि कैसे हमारे जो वोट्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो हमें मिलके कांग्रेस को टक्कर देनी चाहिए, राइट. चलिए उसके बाद क्या देखा हमने, सिंस 1977 इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड कास्ट्स आल्सो बिगैन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स. असेंबली इलेक्शंस हुए जो 1977 के आफ्टर इमरजेंसी, उसमें नॉर्थ स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया. एंड अभी हम आगे पढ़ेंगे, जनता पार्टी ने रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया. इशू ऑफ रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द जनता पार्टी, जो हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे. द एमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ही मिसयूज किया गया था. Also a period of political crisis. कैसे, the party in power had absolute majority and yet its leadership decided to suspend the democratic process. ना ही तो वो government गिरी थी लेकिन
पीएम ने क्या डिसाइड किया कि हम इमरजेंसी लगा देंगे। पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी वर अब्यूज्ड, काफी ज्यादा एक्सेसेस टुक प्लेस, फॉर एग्जांपल करप्शन, पर्सनल पॉलिटिक्स, सब कुछ अपने अराउंड ही किया गया और काफी ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई थी। अनदर क्रिटिकल इशू दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज रोल एंड एक्सटेंट ऑफ मास प्रोटेस्ट्स, कि लोगों में कितनी क्षमता है, लोगों में कितनी पावर है, क्योंकि मास डेमोन्स्ट्रेशन से ही शुरू हुई जिसकी वजह से इमरजेंसी लगा दी गई। टेंशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन, राइट। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें क्या हुआ था, मेन डिफरेंसेस किसके बीच में थे, इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी यानी कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ऐसी डेमोक्रेसी जो लोग, जो पीपल सपोर्ट जहाँ पे था, जो वो चाह रहे थे, यानी कि इट वॉज द इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट और फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई थी टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द कॉमन पीपल और द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। चलिए नाउ फाइनली बिफोर एंडिंग द चैप्टर लेट्स मूव ऑन टू द बॉक्सेस। मोरारजी देसाई के बारे में, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, अ गांधीयन लीडर यानी कि ही बिलीव्ड इन द गांधीयन फिलोसफी, प्रोपोनेंट ऑफ खादी, नेचुरोपैथी एंड प्रोहिबिशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, डेप्यूटी पीएम 1967-69, जॉइंट कांग्रेस ओ आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी, ही वॉज वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स, सिंडिकेट, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1977-79, जनता गवर्नमेंट, राइट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंगिंग टू अ नॉन कांग्रेस पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलोंगिंग टू अ नॉन कांग्रेस पार्टी, इट वॉज मोरारजी देसाई। चलिए आगे चलते हैं, चौधरी चरण सिंह जी को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1979 जुलाई टू जनवरी 1980, फ्रीडम फाइटर, एक्टिव इन द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रोपोनेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वो पेजेंट्स से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे और एक्टिव थे, लेफ्ट कांग्रेस पार्टी एंड फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल इन 1967, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET, हु फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल एंड इन विच ईयर, चौधरी चरण सिंह इन 1967, ही वॉज द CM ऑफ UP टू टाइम्स, लेटर ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द जनता पार्टी इन 1977 एंड बिकेम द डेप्यूटी PM एंड होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द जनता गवर्नमेंट, ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ लोक दल। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर योर MCQ। आगे चलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अ मार्क्सिस्ट इन हिज यूथ, ही बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का पूरा एवोल्यूशन और स्प्लिट हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, अ हीरो ऑफ द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, डिक्लाइंड टू जॉइन नेहरूज कैबिनेट, आफ्टर 1955 क्विट एक्टिव पॉलिटिक्स एंड वॉज अ सोशल वर्कर, बिकेम अ गांधीयन, गांधीयन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वॉज इन्वॉल्व इन द भूदन मूवमेंट, नेगोशिएशन विद नागा रेबल्स, पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर एंड इंश्योर द सरेंडर ऑफ डिकॉइट्स इन चंबल। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें ये इन्वॉल्व थे, लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट, राइट, ही बिकेम द सिंबल ऑफ ऑपोजिशन टू एमरजेंसी एंड वॉज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी। क्लियर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। आगे चलते हैं, जगजीवन राम, फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार, डेप्यूटी PM ऑफ इंडिया फ्रॉम 77-79 ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1952 टिल हिज डेथ, जब से पहले इलेक्शंस हुए तब से लेके 1986 तक ही वॉज एन MP, लेबर मिनिस्टर इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, ये वाले पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में पूछे जाते हैं, लेबर मिनिस्टर इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया यानी कि 1952 में ही वॉज द लेबर मिनिस्टर, हेल्ड वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज फ्रॉम 1952 टू 1977, अ स्कॉलर एंड एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, परफेक्ट।
So we are finally done with our chapter number 6, the crisis of democratic order. पूरा chapter हमने complete कर लिया है. इसमें जो added topics है, JP's total revolution, right, etc. वो आपके boards में नहीं पूछा जाएगा. And in fact, CUET में तो added topics आते ही नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आप उसे करना चाहते हैं तो आपको added topics वाली video मिल जाएगी और उसमें जाके आप cover कर सकते हैं. So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it. And if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.